सारा टाइम तकरीबन 3.5 साल नहीं होता। मेरे क्वेश्चन ले लीजिए, 3.5 साल आपने असेंबली में गुजार दिया, 3.5 साल में आपने जाके आपके चीफ ने कभी हाथ तक नहीं मिलाया अपोजिशन लीडर से, कैसे आप सियासत कर सकते हैं? आपको हाथ मिलाने से क्या हो जाएगा? आप जाके मोदी से हाथ मिला सकते हैं, आप जाके अफगान तालिबान से हाथ मिला सकते हैं, आप टीटीपी से हाथ मिला सकते हैं, आप अपने अपोजिशन लीडर से हाथ, इस माहौल में कैसे सियासत आगे बढ़ेगी और कैसे आप एस्टेब्लिशमेंट को बाहर करेंगे सियासत? मेरे लिहाज से खान साहब को हाथ मिलाना चाहिए, मेरे लिहाज से खान मिलाना चाहिए। लेकिन जो खान साहब का जो मौकफ है ना, देखिए एक बात याद रखें, उस तरफ आ रहा हूँ, मुझे पता है ये मेरा दुश्मन है, मैं उससे हाथ मिलाता हूं, आई नो हु ही इज। लेकिन जो मेरा दोस्त हो के मेरा दुश्मन है, मुझे एक बात बताएं, मैं ये मिसाल गलत मिसाल है लेकिन मैं वैसी एक मिसाल दे रहा हूं, जो दोस्त हो के दुश्मन होता है हम उसको मुनाफिक कहते हैं ना। एग्जैक्टली, ठीक है। मुनाफिक का जो रुतबा है वो काफिरों से ज्यादा बुरा है कि नहीं है? ज्यादा खतरनाक है ना। ठीक है, इमरान खान की नजर में पाकिस्तान के वो सियासतदान जिन्होंने पाकिस्तान के पब्लिक का पैसा लूट कर यहां से लेके बाहर चले गए अंग्रेजों की तरह, अंग्रेज पाकिस्तान आया, ये इंडिया आया, सब कॉन्टिनेंट आया, उसने यहां का पैसा चोरी करके बर्तानिया ले गया, ठीक है, उसी तरह जिन लोगों ने यहां पे आके पैसा चोरी करके वापस बाहर ले गए और वहां जाके अपनी जायदादें बना ली, क्या वो उनसे ज्यादा खतरनाक नहीं है? अंग्रेज अगर यहां से पैसा, यहां से माल, वो तो थे यहां के नहीं ना, माल वो तो यहां के थे ही नहीं ना, एक बुनियादी इख्तलाफ यहां का माल लूटने से है ना, कि यहां हुक्मरानी उन्होंने की और यहां का माल लूट के ले गए? नहीं, लेकिन मीर सादिक, मीर जाफर जो जो अंग्रेजों के जनरल थे उनसे ज्यादा खतरनाक। मेरा सवाल तो एस्टेब्लिश जी, वो ज्यादा खतरनाक यानी कम खतरनाक तो वो भी थे ना? हाँ थे, कम खतरनाक। उन्हीं की जाके वहां शादी करते हैं आपके चेयरमैन साहब, बिल्कुल, और वहां वो बड़े खुश रहते हैं, फिर वो शादी करके यहां भी लाते हैं, पर्सनल लाइफ है सर, पर्सनल। इसका मतलब ये है कि आप हाथ मिला सकते थे, मिला सकते हैं, मिला से, देखिए आपको हाथ मिलाना चाहिए। तो ये ऑडियो लीक्स आई बड़ी कुछ नाजेबा बेहुदा किस्म की इमरान खान की, इस पर क्या आपका टेक है? मेरा टेक ये है कि देखिए बात ये हो जाती है कि सबसे पहले इमरान खान की अगर आप अपनी गुफ्तगू सुने, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि वो एक बहुत पायस आदमी है, उन्होंने हमेशा एक बहुत पायस जिंदगी गुजारी, उन्होंने हमेशा कहा है कि मैंने बड़ी गलतियां की हैं जिंदगी में और मैं उसके बारे में जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो मुझे आइडलाइज करते और मैं उनको नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या गलतियां की। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद ये ऑडियो आ जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, इनके फॉरेंसिक के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल स्टैंड बताता हूं, ये एक शख्स की जाती ऑडियोज है, इसका ताल्लुक इस पब्लिक के उससे कोई नहीं है, इसका ताल्लुक इसकी जात से है। वो मिसाल देते हैं वहां इस तरह की ऑडियो या वीडियो, चल मेरा सवाल है, इसका बहुत सारी हुई है, बहुत सारी ये क्लिंटन की भी है, सब की वो उतर ही नहीं, फिर किया क्या गया? कुछ भी नहीं होता। देखिए देखिए, जो आपकी पब्लिक जो आपका सर इंपीचमेंट हो गई थी, सर एक मिनट सुन लेना, इंपीचमेंट हो गई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट, सुन लेना सुन लेना, वो तो क्योंकि उसने उस हाउस उससे उसने वाइल्ड सिटिंग इन हिज ऑफिस उसने सब कुछ किया था, ये चीजें ये जो ऑडियोज लीक हुई है पहले तो इसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें ये बहुत पुरानी है, नंबर पुरानी है कोई 12-13 साल पुरानी की बात है। नंबर वन, नंबर टू, जिन लोगों की है उन लोगों ने डिनाई किया है कि ये ओरिजिनल, ये इसके ऊपर डीप फेक वीडियो। अच्छा सर, इसमें जो इमरान खान का ट्रीटमेंट है वो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने इतना जुर्म किया, उन्होंने कहा दीन कहता है दूसरे की ऐप छुपाओ, बिल्कुल कह दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे ही है। नहीं देखिए, इमरान खान का एक किस्सा मुझे याद है कि एक दफा इनका एक फ्लैट था इंग्लैंड में जो जल गया और इनके दोस्त ने आके कहा यार तुम्हारा फलाना फ्लैट जल गया है, उन्होंने कहा चलो शुक्र हुआ वो जल गया क्योंकि उस फ्लैट में बड़ी पार्टीज मैंने की और वो अच्छा नहीं था, जो भी बात करें ना, देखिए उसने खुद कहा अच्छे काम नहीं हुए, ठीक है, तो उसने अगर उसकी जगह शायद कोई और होता
ठीक है, वो कहते ओहो मेरा फ्लैट जल गया क्या हो गया, उसने कहा कि यार शुक्र है वो जल गया क्योंकि उसके साथ मेरी अच्छी बातें नहीं है। जब कहा उन्होंने ये, ये किस्सा है मेरे ख्याल में ये तकरीबन 1980s का किस्सा है या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद तो उनकी जो हालिया वीडियो है तो बहुत उसके बाद की है, तो 2013 की वीडियो है, 2013 की नहीं उससे पहले की है, लेकिन एनीवे ये जो 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 टाइम फ्रेम बता रहे ना, मैं इसलिए टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि जिस दौरान में जिन लोगों की बात करें वो जिस पोजीशन में थे वो 2012-11-12 के आसपास। ठीक है, चलिए हो गए, खान मैरिज की बात करते हैं, यही बातें करते हैं। अब मुझे बताइए आप कि उस्मान बुज़दार में कौन सी मेरिट थी कि उनको 3.5-4 साल आपने पंजाब का वजीर आला बना के रखा। मैं ये समझता हूँ, खुद किल करते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा, अच्छा मैं ये समझता हूँ, सवाल मेरा चालीस हो जाए पूरा। ये पहला हिस्सा ये उस्मान बुज़दार, दूसरा हिस्सा ये कि इमरान खान कहते हैं कि ये सही बात है कि कानून सबके लिए बराबर, लेकिन जब उनको यही मुड़ के इदारे बुलाते हैं कि आप आ जाओ, वो नहीं आते, वो मानते नहीं, वो कभी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, कभी अदलिया के खिलाफ बातें करते हैं, तो कभी अदलिया के खिलाफ बात नहीं। ये तौहीन अदालत के मैंने तो नहीं की थी, जो उनको बुलाया इमरान खान को, तीन दफा मुकदमा उन्होंने एक इवेंट के बारे में अपनी राय दी थी, उन्होंने कानून के बारे में कोई राय नहीं दी थी। उन्होंने जिस तरीके से वो खातून जज जो थी, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया था, जो कहते ना उन्हें उनके रिएक्शन के ऊपर वो माफी इसलिए मांगी थी, सुन लेना, माफी इसलिए मांगी थी, मेरे लिहाज से माफी इसलिए मांगी थी कि उसके अलावा उनके पास चारा नहीं था। अगर अब मैं आपकी बात बता देता हूं, उस्मान बुज़दार, मैं समझता हूं कि खान साहब को उस्मान बुज़दार को बहुत पहले हटा देना चाहिए था। अच्छा, मैं समझता हूँ, यस, डायरेक्ट टू इमरान खान, डायरेक्ट टू इमरान खान, व्हाट ही रिप्लाइड फॉर, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये आदमी शरीफ आदमी है, दैट्स व्हाई ही इज कीपिंग एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ, ठीक है, शरीफ तो पेशवा को रख लेते हैं।